कहानी की शुरुआत हम एक जंगल को देखते हैं जो कि सूख रहा होता है। वहाँ पर बिल्कुल भी पानी नहीं होता है। अब हम लाते नाम की एक हिचॉक को देखते हैं जो कि फूलों से अपने लिए पानी इकट्ठा कर रही होती है। वहीं जंगल के सभी जानवर पानी की एक एक बूंद के लिए तरस रहे होते हैं। वो पानी की एक एक बूंद को वाटरमेलन में इकट्ठा कर रहे होते हैं। अब जंगल का राजा शाम को एक मीटिंग बुलाता है जिसमें कि वो पानी को लेकर चर्चा करने वाला होता है। वहीं हम कुछ जानवरों के बच्चों को देखते हैं जो कि खेल रहे होते हैं। तभी वहाँ पर जूम आ जाता है जो कि एक गिलहरी होता है। वो भी उनके साथ में खेलने की कोशिश करता है लेकिन सभी जूम का मजाक उड़ाने लगते हैं। तभी लाते आ जाती है, वो सबको डरा करके भगा देती है क्योंकि जूम लाते का बहुत ही अच्छा दोस्त होता है। तभी जूम लाते से कहता है कि तुमने ये क्या किया, अब वो मुझे कभी अपना दोस्त नहीं बनाएंगे। जूम लाते से गुस्सा होकर के अपने घर चला जाता है। इसके बाद हम जूम की बहन मीरा को देखते हैं जो उस पर हंस रही होती है क्योंकि जूम कीचड़ में गंदा हो गया होता है। तभी जूम के हाथों से उसका अखरोट गिर जाता है और वो लाते की केव के बाहर पहुंच जाता है। इसके बाद में जूम छिप करके अखरोट लेने जाता है। तभी लाते बाहर आ जाती है, वो जूम से कुछ नहीं कहती। अब लाते पानी को पीने लगती है। तभी जूम कहता है कि सभी जानवर पानी को वाटरमेलन में इकट्ठा कर रहे हैं और तुम अकेले ही पानी पी रही हो। वो लाते से पानी को छीन लेता है। जूम कहता है कि इस पानी पर सभी जानवरों का हक है, जिस पर कि लाते कहती है कि ये मेरा पानी इसलिए तुम मुझे वापस कर दो। लेकिन जूम पानी को वाटरमेलन में डालने जाने लगता है, लाते भी उसके पीछे पीछे जाती है। तभी जूम पानी को वाटरमेलन में डाल देता है। तभी लाते जूम को गलती से धक्का दे देती है जिससे कि जूम पानी में गिरता है और वाटरमेलन टूट जाता है। ये देख करके जूम और लाते बहुत ही ज्यादा डर जाते हैं। तभी वहाँ पर कुछ जानवर आने लगते हैं, वो दोनों जा करके छिप जाते हैं। अब वो जानवर वाटरमेलन को टूटा देख करके हैरान रह जाते हैं। अब शाम की मीटिंग में वो जानवर राजा को बताते हैं कि किसी ने वाटरमेलन को तोड़ दिया है और हमारे पास सिर्फ 4 वाटरमेलन पानी ही बचा है। वहीं जूम और लाते सारी बातें छिप करके सुन रहे होते हैं। तभी जूम लाते से कहता है कि हमें सबको सच बता देना चाहिए, लेकिन लाते इसके लिए मना करती है। लेकिन जूम आकर के बता देता है कि वाटरमेलन उससे गलती से टूट गया है जिससे कि सभी जानवर उस पर गुस्सा करते हैं। इसके बाद में जूम उन सबसे माफ़ी मांगता है। अब जंगल का राजा सबसे कहता है कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो जल्दी हम लोगों को प्यासा मरना पड़ेगा। तभी वहाँ पर कोप नाम का एक कौआ आता है। वो सबसे कहता है कि हम में से किसी बहादुर को मैजिक वाटर स्टोन को वापस लाना होगा। लेकिन किसी को भी मैजिक वाटर स्टोन की बात पर यकीन नहीं होता है, वो सब वाटर स्टोन को झूठ मानते हैं। लेकिन कोप सबसे कहता है कि कई साल पहले वाटर स्टोन्स को सफ़ेद पहाड़ी से भालुओं के राजा बेंदू ने चुरा लिया था और वो उसे अपने जंगल लेकर के चला गया। तब से जंगल में पानी गायब हो गया है। अब किसी बहादुर जानवर को वाटर स्टोन को वापस लाना होगा, तभी जंगल में पानी आ सकता है। लेकिन कोई भी इस काम के लिए तैयार नहीं होता है। लेकिन लाते को इस कहानी पर यकीन होता है। वो सबसे कहते हैं कि मैं वाटर स्टोन को वापस लेकर के आऊँगी, लेकिन कोई भी उसकी बात पर ध्यान नहीं देता है। सबको लगता है कि लाते उनसे मजाक कर रही है, लेकिन लाते अपनी बहादुरी को साबित करना चाहते हैं, इसलिए वो बिना बताए ही वाटर स्टोन लेने के लिए चली जाती है। लेकिन वो डर रही होती है, वो सूखी नदी के रास्ते से होकर जा रही होती है। अब रात हो जाती है, इसलिए लाते एक जगह पर रुकती है। वो अपने डैड को याद कर रही होती है। वो खुद से कहती है कि वो वाटर स्टोन जरूर लेकर के आएगी और जंगल में फिर से पानी आ जाएगा क्योंकि मैं एक राजकुमारी हूँ। अगली सुबह जूम देखता है कि लाते अपनी केव से बाहर नहीं आई है। वो केव चेक करने के लिए जाता है, वहाँ पर लाते नहीं होती है। तभी वो सूखी नदी में लाते के पैरों के निशान देखता है। वो समझ जाता है कि लाते वाटर स्टोन लेने चली गई है। अब जूम लाते को वापस लेने के लिए चला जाता है। वहीं लाते अपने सफर पर तेजी से जा रही होती है। तभी उसे रास्ते में बीवर मिलता है जो कि पेड़ों को काट करके नदी पर पुल बना रहा होता है। तभी लाते उससे कहते हैं कि मैं वाटर स्टोन लेने जा रही हूँ, इसलिए तुम मुझे उत्तरी जंगल का रास्ता बता सकते हो। जिसके बाद में बीवर बताता है कि तुम सूखी नदी के किनारे पर चलती जाओ, लेकिन तुम्हें रास्ते में एक बड़ी सी चट्टान मिलेगी, बस उसी के पीछे ही उत्तरी जंगल है। अब लाते बीवर को थैंक्स कहकर आगे के सफर पर चली जाती है। तभी उसे जूम की आवाज़ सुनाई देती है, वो उसे छिपने लगती है। तभी वो दोनों आपस में टकरा जाते हैं। लाते जूम से कहती है कि तुम मेरा पीछा क्यों कर रहे हो। जूम बताता है कि वो उसे वापस लेने आया है क्योंकि वाटर स्टोन जैसी कोई भी चीज़ नहीं होती है, लेकिन लाते उसकी एक भी बात नहीं सुनती। तभी लाते और जूम के पीछे एक कैट पड़ जाती है, वो उन दोनों को मार करके खाना चाहती है। वो दोनों उससे बच करके भागने लगते हैं। तभी कैट उन्हें एक चट्टान के पास जा करके घेर लेती है, लेकिन उसके ऊपर एक पेड़ आकर के गिरता है। वो बेहोश हो जाती है और इस पेड़ को बीवर ने काटा होता है।
अर्जुन लाते को जबरदस्ती वापस ले जाने की कोशिश करता है, जिससे कि उन दोनों में बहस हो जाती है। तभी उन दोनों का पैर फिसल जाता है और वो दोनों ग्रेटा नाम की मेढक की केव में पहुंच जाते हैं, जहां पर ग्रेटा उनसे पूछती है कि तुम दोनों कौन हो। इस पर लाते बताती है कि वो वाटर स्टोन को वापस लाने जा रही है। ये सुनकर के ग्रेटा खुश हो जाती है। उसके बाद में ग्रेटा उन दोनों को रात में अपनी केव में सोने को कहती है, जिसके बाद में वो दोनों ग्रेटा के दिए फल खा करके सो जाते हैं। अगली सुबह ग्रेटा लाते और जुम से कहती है कि तुम बहुत ही बहादुर हो और तुम दोनों जरूर ही वाटर स्टोन को वापस ले आओगे। इसके बाद में ग्रेटा उन्हें आगे के सफर के लिए अंगूर देती है। वो बताती है कि आगे तुम भेड़ियों के इलाके से होकर के जाओगे, इसलिए तुम वहां पर लू पर उसके दोस्तों से बच करके रहना। अब लाते और जुम आगे के सफर पर निकल जाते हैं। वहीं जंगल में जुम के फादर जुम को लेकर के परेशान हो रहे होते हैं। तभी राजा उनसे कहता है कि मैंने कोप को जुम और लाते को वापस लाने के लिए भेज दिया है, तुम परेशान मत हो और तुम वाटरमेलन के पानी को सभी जानवर में बराबर बांट दो। वहीं लाते और जुम बहुत ही ज्यादा थक चुके होते हैं और वो भेड़ियों के इलाके में पहुंच जाते हैं। वहां पर सभी जानवर डर करके भाग रहे होते हैं। ये देख करके जुम डर जाता है और वो अपने छुपने की जगह ढूंढने लगता है। सभी लू पर उसके साथ ही आकर के उन्हें घेर लेते हैं। इसके बाद में लाते उनसे कहती है कि मैं एक राजकुमारी हूँ, अगर तुमने मेरे एक भी कांटे का बाका किया तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। लाते लूप को बता दिया कि वो भालुओं का राजा वेंडू से वाटर स्टोन लेने जा रही है, जिससे कि जंगल में पानी आ सके। ये सुनकर के लूप लाते और जुम को जाने देता है, क्योंकि वो लाते के जरिए वाटर स्टोन को पाना चाहता है। अब लाते को प्यास लग रही होती है, वो जुम से अंगूर मांगती है, जिस पर जुम कहता है कि इसके लिए तुम्हें छिलके वाला गेम खेलना होगा। लाते गेम खेलने के लिए तैयार हो जाती है। जुम अंगूर को छिलके के नीचे रख करके उन्हें तेजी से इधर उधर करने लगता है, लेकिन जब लाते एक करके छिलका हटाती है तभी जुम चालाकी से अंगूर छिलके के नीचे रखने की कोशिश करता है, लेकिन लाते उसकी चालाकी को पकड़ लेती है। अब जुम और लाते अंगूर को आधा आधा खा लेते हैं। लाते जुम से कहती है कि असल में मैं एक राजकुमारी नहीं हूँ और ना ही मेरा कोई परिवार है। ये सुनकर के जुम कहता है कि उसे इस बात से कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। इसके बाद में वो दोनों आगे के सफर पर निकल जाते हैं, लेकिन जुम को अपनी फैमिली की चिंता हो रही होती है, क्योंकि उसे पता होता है कि अब तक तो वाटरमेलन का पानी भी खत्म हो गया होगा। अब जुम और लाते एक पेड़ के पुल को पार कर रहे होते हैं। तभी जुम लाते से कहता है कि हम बेकार में ही इतनी मेहनत कर रहे हैं, वाटर स्टोन जैसी कोई भी चीज़ नहीं होती है, हमें वापस चलना चाहिए। लाते जुम से गुस्सा होकर कहती है कि अगर तुम्हें घर जाना है तो तुम वापस चले जाओ। इसी बीच में लाते का पैर फिसल जाता है और वो सूखी नदी में गिर जाती है। इसके बाद में लाते जुम पर बहुत गुस्सा होती है और नदी से निकलने का रास्ता ढूंढने लगती है। वही जुम को पानी की आवाज़ सुनाई देती है। तभी जुम एक चट्टान के ऊपर जाकर के देखता है, वहाँ पर उसे उत्तरी जंगल दिखाई देता है जो कि बहुत ही ज़्यादा हरा भरा होता है। जुम खुश होकर के लाते को लेने जाने लगता है, तभी वो नीचे गिर जाता है, जहाँ पर कुछ शाही भालू एक्सरसाइज कर रहे होते हैं। वहाँ पर प्रिंस एमरू भी होता है। तभी जुम एमरू के बालों में छिप जाता है। अब एमरू महल के अंदर जाने लगता है, तभी उसे पता चल जाता है कि कोई उसके बालों में है। वो जुम से कहता है कि तुम जो भी हो, अगर तुम्हें महल के अंदर जाना है तो मेरी दूसरी साइड आ जाओ, नहीं तो तुम्हें गार्ड पकड़ लेगा। इसके बाद में एमरू जुम को लेकर के गुफा में चला आता है। वहीं लाते किसी तरह से नदी से बाहर आ जाती है। वो बहुत ही ज़्यादा थक चुकी होती है, इसलिए वो एक केव में जा करके सोने लगती है। तभी वहाँ पर केव का असली मालिक आ जाता है, जो कि एक बूढ़ा हिचौक होता है। लाते उसे अपने डैड समझने लगती है। तभी बूढ़ा हिचौक कहता है कि मैंने अब तक शादी नहीं की है, इसलिए तुम मेरी बेटी नहीं हो सकती। वो बताता है कि तुम्हारे अगर कोई डैड होंगे भी तो वो तुम्हारे पास नहीं आएंगे, क्योंकि सारे हिचौक अकेले ही रहते हैं और तुम्हें भी अकेला ही रहना होगा। ये सुनकर के लाते रोने लगती है। लाते बूढ़े हिचौक से कहती है कि मैं भालों के राजा बेंडुक से वाटर स्टोन लेने जा रही हूँ। तब बूढ़ा हिचौक कहता है कि वो उसे राजा के महल तक ले जा सकता है, क्योंकि उसे वहाँ का सीक्रेट रास्ता पता है। वहीं एमरू जुम को अंदर ले आता है। एमरू जुम से कहता है कि तुम कौन हो, जिसके बाद में जुम उससे कहता है कि मैं एक अखरोट भालू हूँ। तभी जुम पानी के फुब्बारों को देखता है, वो अपनी प्यास बुझाता है। अब एमरू बताता है कि सालों पहले पत्थरों की वजह से हमारी केव में पानी आना बंद हो गया था, तब मेरे डैड यहाँ पर एक वाटर स्टोन लेकर के आए, जिससे कि हमें फिर से पानी मिल गया। ये सुनकर के जुम को यकीन हो जाता है कि वाटर स्टोन सच में है। तब जुम एमरू से कहता है कि तुम्हारे डैड ने वाटर स्टोन को सफ़ेद पहाड़ी से चुराया है, जिससे कि सारे जंगल का पानी गायब हो गया है और मैं वाटर स्टोन को लेने आया हूँ। जिस पर एमरू कहता है कि अगर तुम वाटर स्टोन ले गए तो हमारे पानी का क्या होगा, जिस पर जुम एमरू को भरोसा दिलाता है कि सभी जानवर को पानी मिलेगा, लेकिन इसके लिए हमें सबसे पहले मेरी दोस्त लाटे को ढूंढना होगा। वो लाटे को ढूंढने के लिए जाने लगते हैं। तभी गार्ड जुम को देख लेता है और वो जुम को पकड़ करके कैद कर लेता है। वहीं बूढ़ा हिचौक लाते को केव के पास लेकर के आ जाता है। वो लाते को केव से निकल रहे झरने से अंदर जाने को कहता है। इसके बाद में लाते झरने से होते हुए भालुओं की केव के अंदर आ जाती है, लेकिन तभी दो भालू मछलियों के साथ लाते को पानी
पानी से बाहर निकाल लेते हैं, वो लाते को घुसपैठिया समझते हैं और उसे एक जगह पर बंद कर देते हैं। वहां पर जूम भी होता है, लाते जूम से माफी मांगती है। इसके बाद में जूम और लाते आखिरी बचे अंगूर को खा लेते हैं। इसके बाद में जूम अपने भालू दोस्त एमरू के बारे में लाते को बताता है, तभी वहां पर एमरू आ जाता है। वो दोनों को आजाद कराने की कोशिश करता है लेकिन तभी गार्ड उन्हें पकड़ लेता है। वो तीनों को राजा वेंडुक के पास लेकर के जाता है। वो राजा से कहता है कि ये दो छोटे जानवर घुसपैठिए हैं और प्रिंस एमरू इन्हें बचाने की कोशिश कर रहे थे। इसके बाद में राजा वेंडुक लाते और जूम से पूछता है कि तुम यहाँ पर क्यों आए हो। लाते राजा से कहते हैं कि हमारे जंगल में पानी खत्म हो गया है, इसलिए हमें वाटर स्टोन चाहिए। इस पर राजा कहता है कि वो वाटर स्टोन मेरा है, लेकिन लाते कहती है कि तुमने वाटर स्टोन को चुराया है। ये सुनकर के राजा गुस्से में आ जाता है। वो लाते और जूम को गार्ड के द्वारा बाहर फेंकवाने को कहता है और खुद सभी भालुओं के साथ में एंजॉय करने लगता है। ये देख करके गार्ड भालू भी नाचने लगते हैं। इसी बीच में लाते और जूम वाटर स्टोन की तरफ जाने लगते हैं क्योंकि किसी का भी ध्यान उन पर नहीं होता है। अब लाते और जूम वाटर स्टोन को निकाल लेते हैं जिससे कि केव का पानी तुरंत ही सूख जाता है और सब भालू नीचे गिर जाते हैं। अब राजा वेंडू देखता है कि उसका बेटा लाते और जूम की मदद कर रहा है। इसके बाद में लाते और जूम स्टोन के साथ में झरने से फिसलते हुए बाहर आ जाते हैं। राजा भी उनके पीछे पीछे आता है लेकिन वो बीच में ही फंस जाता है। अब एमरू दोनों को लकड़ी के पुल पर ला करके छोड़ देता है। जूम और लाते एमरू को अलविदा कह करके जाने लगते हैं। तभी वहां पर राजा वेंडुक आ जाता है जिसके बाद एमरू उसे रोकने की कोशिश करता है। तभी जूम और लाते पुल को पार कर लेते हैं। अब राजा वेंडुक जैसे ही पुल के ऊपर आता है तो पुल टूट जाता है और वो नीचे गिर जाता है। लाते और जूम सफेद पहाड़ी की तरफ जाने लगते हैं। तभी लूप अपने साथियों के साथ आ जाता है। वो लाते से वाटर स्टोन मांगता है। तभी वेंडुक भी वहां पर आ जाता है जिसके बाद में भेड़िया और वेंडुक में स्टोन को लेकर के तू तू मैं होने लगती है। तभी वहां पर कैट भी आ जाती है और वो भी स्टोन पाना चाहती है। अब सभी जानवर लाते और जूम को घेर लेते हैं। तभी लाते सबसे कहती है कि हम स्टोन के लिए एक गेम खेलेंगे और जो भी उस गेम में जीतेगा उसे स्टोन मिल जाएगा। इसके लिए सारे जानवर तैयार हो जाते हैं। अब जूम छिलके के नीचे स्टोन को रखने का नाटक करता है और वो स्टोन को बड़ी ही तेजी से लाते को दे देता है। अब जूम छिलकों को इधर उधर करने लगता है, वहीं लाते स्टोन को ऊपर ले जा रही होती है। अब जूम जब छिलकों को एक एक करके उठाता है तो उसमें स्टोन नहीं होता है। ये देख करके सारे जानवर समझ जाते हैं कि जूम उन्हें बेवकूफ बना रहा है। तभी वो लाते को स्टोन को ले जाते देख लेते हैं। वो लाते को पकड़ने के लिए भागते हैं लेकिन लाते तब तक स्टोन को पत्थर में लगा देती है जिससे कि पानी निकलना शुरू हो जाता है और सभी जानवर पानी में बह जाते हैं। लाते और जूम को कोप आकर के पकड़ लेता है और वो जंगल की तरफ लेकर के जाने लगता है। वहीं नदी में पानी देख करके सभी जानवर बहुत ही खुश होते हैं। अब कोप लाते और जूम को लेकर के घर आ जाता है। सभी जानवर लाते और जूम की बहुत तारीफ करते हैं। अब जूम के फादर लाते को अपने फैमिली मेंबर बना लेते हैं जिससे कि लाते बहुत खुश होती है। और उसी के साथ में इस फिल्म का यहीं पर एंड हो जाता है। अगर आपको मूवी की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर से कर देना। अगर आपको ऐसी और वीडियो देखनी है तो आप एंड स्क्रीन पर लगी वीडियोज को देख सकते हैं।